आज के टाइम में कामा फिलोसफी को एक ब्रांड से जोड़ दिया गया है, लेकिन कामा फिलोसफी इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिलोसफी. इट इज टेलिंग अस दैट हाउ टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर डिजायर्स एंड कामा फिलोसफी. सी, मैरिज, फैमिली, किनशिप इज हाईली सिग्निफिकेंट टॉपिक इन यूपीएससी. अभी लास्ट ईयर 2023 में यूपीएससी ने GS-1 में ये क्वेश्चन पूछा था दैट मैरिज एज अ सैक्रमेंट लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया. ये 2023 में GS-1 में इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आया था. एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी में तो इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, तो क्वेश्चन आता ही है. सोशोलॉजी में पूछा गया था दैट हाउ किनशिप इज लूजिंग समथिंग, दैट हाउ किनशिप सिस्टम इज चेंजिंग इन इंडिया. फैमिली में, फैमिली के ऊपर लिव इन रिलेशनशिप पे बहुत क्वेश्चन आता है. एंथ्रोपोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फैमिली में फैमिली कैसे चेंज हो रही है, फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव का क्या इन्फ्लुएंस है रहा. लिव इन रिलेशनशिप, एज आई सेड, इन सारे टॉपिक को समझना ज़रूरी है. ओके, तो वाई मैरिज इज सच अ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन आर लाइफ. इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग से मत समझो कि भाई मैरिज तो होनी है ऐसे, नहीं. इसको एक एज अ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट समझो. एंड यू डू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने GS-1 में ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा था, बिकॉज वी नो कि हाउ LGBT कम्युनिटीज में ये डिमांड आ रहा था कि दैट मैरिज को आप लीगलाइज करिए. ओके, तो मैरिज को लीगलाइज करने का मतलब है कि मैरिज की जो सेक्रेट इसकी क्वालिटी है, जो उसकी सेक्रेट एट्रीब्यूट्स है, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, राइट? तो हमको समझना है दैट इन इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली इन हिंदुइज्म, एंड व्हेन आई एम सेइंग हिंदुइज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक रिलेशन. ओके, सो इंडियाज ट्रेडिशन इज हिंदू ट्रेडिशन, फाइन. तो जो अर्ली वैदिक फेज है वो इंडिया का ट्रेडिशन प्रेजेंट करता है. तो इसलिए अगर आपको ट्रेडिशन डिफाइन भी करना है इंडिया का, तो वो हिंदू ट्रेडिशन ही माना जाएगा. और इंडिया में मैरिज को सेक्रेट ही समझते हैं. तो नाउ बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ एक्सोजीनियस इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन कल्चर, डेफिनेटली मैरिज इज लूजिंग इट्स सेक्रेट वैल्यूज. तो आपको किस टाइप से अपने आंसर लिखना पड़ेगा अगर यूपीएससी ऐसा, जैसे यूपीएससी ने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो यू नीड टू जस्ट टेल दैट यू नो व्हेन वी get into the institution of marriage, it is very much related with the religion. Okay, so among Hindus, among Indian Hindus, right, among Indian tradition, Hindu tradition, we will see that it is connected with rituals. Then you need to mention the name of such rituals. If you remember, definitely Homa, Saptapdi, पानी घराना, मंगाला धारणा, एक्सेट्रा. ओके, सो हमारे लिए जो मैरिज है एक रिचुअल ऑब्लिगेशन है, फाइन. एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हमारे लिए है, जो कि हमारे रिलीजन से हमको दिया जाता है. ठीक है, तो ये समझना है, फाइन. सो मैरिज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज गिविंग अस सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन बोथ हजबेंड एंड वाइफ. और मैरिज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एज लॉट मेनी सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्ग्यूज दैट मैरिज इज अ बेसिक स्टेप टूवर्ड्स हैविंग अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. मैरिज के बाद आपकी फैमिली स्टार्ट होती है, और अगर हमारा प्राइमरी यूनिट, हमारा जो प्राइमरी यूनिट है, उसमें ही बहुत सारी क्योज है, उसमें ही कंफ्यूजन है, तो किस टाइप का समाज आगे बनेगा, ये हमको सोचना चाहिए, फाइन. तो अब ये जो बहुत न्यू ट्रेंड्स हैं, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, लिव इन रिलेशनशिप, गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस, उसको आपको समझना है कि हिंदू ट्रेडिशन क्या बात कह रहा है, इंडियन ट्रेडिशन उसके बारे में क्या बात कह रहे हैं. ओके, और यहां पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एज वी नो योगेंद्र सिंह इज एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट,
इंडियन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी बुक आई थिंक 1973 में उनकी एक बुक आई थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. ओके सो मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया समथिंग लाइक दैट उनकी एक बुक थी. ओके सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन बेसिकली. यहां पे उन्होंने यही बात कही है कि वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस होगा, मॉडर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस है इंडिया में, लेकिन इंडिया में अडेप्टेशन किया है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जो वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज थी उसको हमने आज वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी हैव अडेप्टेड, सो वी हैव टेकन सर्टेन सेलेक्टिव कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वेस्ट. नाउ व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू मैरिज, फैमिली इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम द वेस्ट, और वो पॉसिबल भी नहीं है. That is why in India still we have lot of respects and regards for our parents. हम अपने parents को अब फिर भी क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा influence तो आता ही है, लेकिन आज भी ये बुरा माना जाता है कि हम अपने parents को अपने घर से बाहर निकाल दें कि भाई आप old age home में जाके रहिए, हमारे साथ मत रहिए. और या फिर parents ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा अब टीन एज हो रहा है तो अब मैं उसको उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाऊंगा, या अब हम उसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे. हमारे लिए हमारा कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर हमको बताता है थ्रू रीना फिलोसफी. दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल टू एवरीवन. प्लीज बी अवेयर ऑफ इंडियन फिलोसफी, आश्रम सिस्टम किस तरीके से हमारे को बताया कि भाई अगर हमने अपने फादर अपने पेरेंट्स को अगर हमने अपने पेरेंट्स का कर्ज नहीं उतारा दैट डेट, तो कैसे हम सेल्वेशन की तरफ कभी नहीं जाएंगे. टीचर्स का भी आपके ऊपर हक है, राइट. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दोज टीचर्स हु आर जस्ट वर्किंग फॉर द आई मीन फॉर मनी. आई वुड नॉट से लाइक दैट, दिस इज ऑल्सो माई प्रोफेशन. बट सी वी डू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम मॉडर्नाइज हो जरूर रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चरल वैल्यूज बिल्कुल दिमाग से निकल नहीं जाना चाहिए. सो दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So marriage is definitely sacred and it is losing its values because of too much of exogenous factors. So ye is tarike se aapko opinion banana padega kyunki UPSC ne aapse pucha hai do you think, right, ki sacred characteristic iska khatam ho raha hai ki nahi. So ye sab samajhna aapko bahut zaruri hai, right. Often you will see that ki iske upar normal discussions hote hi rehta hai, राइट. जैसे एक मूवी थी, राइट, मैंने देखी नहीं है बट मैंने वो सीन जरूर सुना है. ठीक है, मूवी में आमिर खान पूछ रहे हैं कि भाई जब मैरिज होती है तो क्यों इतना हम शोर शराबा करते हैं, क्यों हम ढोल वोल पीटते हैं, क्यों हम दुनिया को बताते हैं. तो वी डू हैव टू सी दैट सेक्स मे बी इन वेस्ट इज ऑल अबाउट हैविंग fulfillment of your biological needs, but in India, in Indian culture, sex is the fundamental step towards having family. इसलिए हम जब कामा फिलोसफी पढ़ते हैं, आज के टाइम में कामा फिलोसफी को एक ब्रांड से जोड़ दिया गया है, लेकिन कामा फिलोसफी इज अ वेरी ब्यूटिफुल फिलोसफी. इट इज टेलिंग अस दैट हाउ टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर डिजायर्स. एंड कामा फिलोसफी जो डिजायर्स के ऊपर बात कर रही है, उसको आपको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है. यू नीड टू रीड इट विद द ड्यूटी ऑफ कामा. आपका जो कर्मा है, आपके जो अर्थशास्त्र है, राइट, ये सारी फिलोसफी को समझते हुए आपको कामा फिलोसफी समझनी है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि इन दैट मूवी इट वॉज बींग आस्क्ड बाय आमिर खान कि क्यों हम डिंडोरा पीटते हैं, क्यों हम बताते हैं. बिकॉज मैरिज बिकम लीगलाइज व्हेन वी टेल टू द सोसाइटी. तो हमको सोसाइटी को बताना होता है, राइट, कि नाउ वी आर गेटिंग मैरिड, नाउ वी आर गोइंग टू लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्यूटिफुल सोसाइटी. हम फैमिली को बनाने जा रहे हैं. तो ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर कामा फिलोसफी में है, राइट. सो फॉर इंस्टेंस वी नो दैट मैरिज, आपको अपना आंसर कैसे फॉर्मुलेट करना है. तो मैरिज इज द
पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेटिंग द सेक्स लाइफ ऑफ मेन. वी नो के सेक्सुअल इंपल्स ज्यादा होता है इंसानों में, राइट. अब अगर हम जैसे वेस्ट में दिखाया जा रहा है, ओके, कोई सभ्यता नहीं रह गई है टूवर्ड्स हैविंग सेक्स, और वो इंडिया में भी आ रहे हैं, लेकिन वो मूवीज लाइक एनिमल्स वो हिट हो रही है, तो आप समझो कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है. तो वी डू हैव टू अंडरस्टैंड, मे बी फॉर वेस्ट सेक्स इज समथिंग लाइक इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल एक्ट, इट्स एन एक्ट जैसे कि जानवरों में होता है. हमारे यहाँ नहीं है, हमको बहुत कंट्रोल है, हमको पता है दैट वी आर हैविंग लॉट मच ऑफ इन्फ्लुएंसेज ऑन अस. जैसे वेस्ट का ही बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, तो आमिर खान को हमको बताना चाहिए कि एक तो वेस्ट और जो आजकल की जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है, राइट. तो यू विल हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दिस इज एन अर्जेंट एंड इररेसिस्टिबल नीड ऑफ मैन. इस पर आपका यू नो आपका माइंड बहुत ज्यादा कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो इस पर. तो यू नीड टू हैव समथिंग, यू नीड टू बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड इन अ प्रॉपर मैनर टू अवॉइड कैओस एंड कंफ्यूजन इन सोसाइटी, राइट. अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं एंड यू डू नॉट नो दैट, इनफैक्ट आज के टाइम में तो आपको अपना सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं पता दैट आप स्ट्रेट है या बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, लेस्बियन है, कुछ नहीं पता. लेकिन हमारे धर्मों में, चाहे आप दुनिया की कोई भी धर्म लिया है, एंड इनफैक्ट इंडियन फिलोसफी की तो बात मैं कह ही सकती हूँ, वहां पे बहुत क्लियर है, हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. तो हिंदू ट्रेडिशन को कोई कंफ्यूजन नहीं है विद रिस्पेक्ट हाउ टू सेटिस्फाई आवर डिजायर्स. तो इसीलिए हम ढिंडोरा पीटते हैं, इसीलिए हम बताते हैं कि नाउ वी हैव चूजन आवर पार्टनर एंड दिस रिलेशनशिप इज सेक्रेट, ओके. सो मैरिज हैज कम टू सच आवर रेगुलेटिव मींस, हेंस मैरिज इज ऑफन कॉल्ड द लाइसेंस फॉर सेक्स लाइफ. सो मैरिज रेगुलेट्स sex relations also, it prohibits sex relation between the closest relatives, that is incest taboo, between father and daughter, mother and son, and so on. This is what we call incest taboo. Okay, so this is something really very important when we talk about marriage, family, kinship. So, ye sare discussions hote rehne chahiye taki aapka ek critical outlook bane टू अ वेरी कॉमन सेंसिकल टॉपिक्स, जो कि बहुत कॉमन से लगते हैं लेकिन वो इतने कॉमन होते ही नहीं है. जब आप उसको आंसर लिखने जाते हो तो वो इतना कॉमन होता नहीं है, ओके.